अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं गल्फ इनसाइडर पीके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा की जो यूएई हुकूमत ने एक्सटेंड कर दिए थे। बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, अगर वीज़ा एक्सटेंड हुआ है तो कितना अरसा तक हुआ है। जो लोग वहाँ पर यूएई के अंदर मौजूद थे उन लोगों के वीज़े 27 जनवरी तक गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर दिए थे। इससे आप क्लियर कर लें, अगर कोई आदमी वहाँ पे 1 जनवरी पे जिसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था उसका भी वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है, जिसका 26 जनवरी को एक्सपायर हो रहा था उसका भी हो चुका है, और इनकी एक्सपायरी की डेट जो है वो 27 जनवरी था। तो अब ये जो 27 जनवरी आ रही है इस पे इनके जो वीज़े हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। अगर आपने इसको चेक करना है तो आप गदफरा की, ICA की, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएँ, अपना जो पासपोर्ट नंबर है और वीज़ा का जो नंबर है वो अगर आप डालेंगे तो आपको आपकी जो एक्सपायरी डेट है उसके ऊपर नज़र आ जाएगी। तो बहुत से लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत से लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर कि पता नहीं हमारा वीज़ा एक्सटेंड हुआ था कि नहीं, हम लोग यहाँ पे ओवरस्टे तो नहीं हैं। तो जो लोग इस मामले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं, जिनको थोड़ा सा डाउट है कि हमारा वीज़ा जो है वो पता नहीं एक्सटेंड हुआ कि नहीं, वो गदफरा की, GDFRA और ICA की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपना वीज़ा नंबर डालें, पासपोर्ट नंबर डालें, जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो उसके ऊपर दें, आपको अपने वीज़ा की एक्सटेंशन की डेट का पता चल जाएगा। लेकिन तमाम वीज़े उनकी एक्सपायरी डेट जो भी थी उनकी लास्ट एक्सपायरी डेट जो है वो 27 जनवरी है। इसके बाद अभी तक यूएई हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया है, टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक यूएई हुकूमत आगे कोई ऑर्डर नहीं करती, वीज़ों की जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 27 जनवरी तक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ यूएई इस पर दोबारा कोई एक्सटेंशन देती है, कोई दोबारा कोई स्कीम निकालती है तो उसका हम अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम भी आई होगी। अगर आपको ठीक लगी है, पसंद आई है, आपके काम की है या आपके किसी दोस्त के काम की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।